हेलो एंड वेलकम बैक। आज का टॉपिक है पोएम लव एंड डेथ बाय सरोजनी नायडू। ये एक मॉडर्निस्ट पोएम है। इसमें हम मान सकते हैं कि दो लवर है, उसमें से एक की डेथ हो गई है और एक जिंदा है। जो जिंदा है वो वुमेन है, जिसकी डेथ हो गई है वो मैन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सरोजनी नायडू, इनका बर्थ हुआ था 13 फेब 1879 को हैदराबाद में। इनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1949 को लखनऊ में। ये इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोएट थी। सिविल राइट्स की समर्थक थी, वुमेन्स के राइट्स भी चाहती थी, साम्राज्यवादी आइडियाज की विरोधी थी। ये इंपॉर्टेंट फिगर थी इंडियन इंडिपेंडेंस में कॉलोनियल रूल के खिलाफ। इनकी पोएटिक वर्क से इनको टाइटल मिला नाइट एंगल ऑफ इंडिया, जिसको दिया महात्मा गांधी जी ने। ओके, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। आई ड्रीम्ड माई लव हैड सेट दाई स्पिरिट फ्री। दाई मीन्स तुम्हारी। पोएटेस बोलती है कि मैंने सपना देखा कि मैंने तुम्हारी आत्मा को फ्री करवा लिया है। इन फ्रेंचाइज्ड दी फ्रॉम फेट्स ओवर मास्टरिंग पावर। इन फ्रेंचाइज्ड मतलब मुक्त करना, और तुम्हारी आत्मा को मुक्त करवा दिया फेट मतलब किस्मत की ओवर मास्टरिंग पावर से। गर्थ दाई बींग विद अ स्केटलेस डावर। स्केटलेस मीन्स सही सलामत, डावर मीन्स दहेज। ऑफ रिच एंड जॉयस इमोर्टलिटी। इमोर्टलिटी मतलब जो कभी ना खत्म हो इन्फिनिट समय के लिए। और गर्थ मीन्स तो एक तरीके से ये होता है कि किसी से भी लड़ने के लिए तैयार होना। इसकी डेफिनेशन तो ये है, प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन। लड़कर तुम्हारी आत्मा को सही सलामत छुड़ा लिया, और दहेज के रूप में क्या दिया, रिच और जॉयस इमोर्टलिटी, कभी ना खत्म होने के लिए रिच और जॉयस। जॉयस मीन्स आनंदित। इमोर्टलिटी जिसमें सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ रिच और जॉयस ही है। ऑफ लव आई ड्रीम्ड माय सोल हैड रैंसम्ड दी। रैंसम्ड मींस पैसे देकर। मैंने सपना देखा मेरी आत्मा ने पैसे देकर तुम्हारी आत्मा को छुड़ा लिया। इन दाई लोन ड्रेड इनकैलकुलेबल आवर। लोन मींस अकेला, ड्रेड मतलब भय, इनकैलकुलेबल मतलब जिसे कैलकुलेट ना किया जा सके, मतलब अनंत समय के लिए। तुम्हारे अकेले भयभीत कभी ना खत्म होने वाले समय से बचा लिया मैंने तुम्हें। फ्रॉम दोस पेल हैंड्स एट विच ऑल मोर्टल्स कावर। पेल हैंड्स मतलब मौत के हाथ, मतलब मौत एक तरीके से डेड। मॉर्टल्स मतलब जो मर सकते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमंस, जानवर जो मर सकते हैं, जो ऐसा नहीं कि कभी खत्म ना हो। कावर में झुकना या पीछे हटना। मैंने तुम्हें उन हाथों से बचाया जिससे सारे मॉर्टल्स डरते हैं, मतलब इंसान जिनसे डरते हैं। एंड कॉन्कर्ड डेथ बाय लव लाइक सावित्री। सावित्री की स्टोरी तो आई गेस सबको पता ही होगी कि वो सावित्री थी, उनके हस्बैंड सत्यवान थे, वो मर जाते हैं तो वो उनकी जान बचा के यमराज से ले आते हैं। इसी स्टोरी को पोएम में पोएटस ने लिंक किया है। तो यहाँ पे यही बता रही है कि इन्होंने सावित्री की तरह, जैसे सावित्री ने अपने पति की जान बचाई थी, उनकी आत्मा को ले आई थी, वैसे मैंने भी तुम्हारी जान बचा ली है सावित्री की तरह। When I awoke, alas, my love was vain. When मतलब व्यर्थ। जब मैं उठी तब मेरा प्यार व्यर्थ था। Even to annul one throw of destined pain, मतलब ये सब जो चीज थी वो सपना देख रही थी कि वो गई, उन्होंने अपने हस्बैंड की जान बचा ली, आत्मा को छुड़ा लिया, ये सब चीजें सपना थी। जब वो उठी तब वो अपनी रियलिटी में आ गई कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। Annul means रद्द या खत्म, throw means दम तोड़ना। ये बोल रही कि अब जो तुम्हारे लिए जो पेन है, जो दर्द है, वो जो हमेशा के लिए है, उसको तो मैं थोड़ा भी कम नहीं कर पाई, मतलब मेरे पैर में कोई ताकत नहीं थी। और बाय वन हार्ट बीट टू प्रोलोंग दाई ब्रेथ। प्रोलोंग मींस लंबा, मतलब इतनी भी ताकत नहीं थी कि सिर्फ एक धड़कन ही बढ़ा सके, एक हार्ट बीट ही बढ़ा सके जिससे सांसें चले, कुछ भी नहीं कर पाई। वो यही बोल रही कि ये सब जो चीजें थी वो तो सिर्फ सपना थी। वो लव, अलास दैट लव कुड नॉट असवेज द बर्डन ऑफ दाई ह्यूमन हेरिटेज। असवेज मींस शांत करना, ह्यूमन हेरिटेज मतलब परंपरा। अब यहाँ पे क्या मतलब है, ह्यूमन हेरिटेज है मतलब जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, जिसमें दुख है तो वो है होंगे ही। तो ये बोल रही है कि मेरा प्यार इन सब चीज़ों को नहीं कॉन्कर कर पाया, जो चीज़ें होती हैं वो है होंगी ही, ऐसा नहीं कि मेरा प्यार है तो कुछ अलग हो जाएगा, नहीं। और सेव दी फ्रॉम द स्विफ्ट डिक्रीज ऑफ डेथ। डिक्रीज मीन्स फरमान, स्विफ्ट मतलब तीव्र। मैं तुम्हें मौत के तीव्र फरमान से भी नहीं बचा पाई, मतलब मौत से भी नहीं बचा पाई, उनका कोई बर्डन पेन ह्यूमन हेरिटेज भी नहीं कम कर पाई। ये पोएम मॉडर्निस्ट पोएम है, एक्चुअली रियलिस्टिक पोएम है, जो हम लोग अभी स्टोरीज में सुनते हैं कि जैसे सावित्री सत्यवान को बचा लाई थी,
लव कॉन्कर्स ऑल काइंड ऑफ थिंग। तो ये जो है वो बताता है कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, जो मरता है वो मरता ही है, वो वापस नहीं आता है। तो ये है, हार्श रियलिटी पे है पोएम। ये पोएम सोनेट में है, द बर्ड ऑफ द टाइम से कलेक्शन से ली गई है। पेट्रार्चन सोनेट है, राइम स्कीम ए बी बी ए बी बी ए सी सी डी ई ई डी है। ये पोएम 14 लाइन्स में है। जैसा कि पेट्रार्चन सोनेट में होता ही है, पहली 8 लाइन्स को ऑक्टेव बोलते हैं, बाकी की 6 लाइन को सस्टेट बोलते हैं। ऑक्टेव और सस्टेट का थीम अलग अलग होता है। अभी जैसे पहले तो सब अच्छा चल रहा था, फिर सस्टेट में रियलिटी समझ में आ गई। ओके, तो वीडियो कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।